तो दोस्तों ये आ गई है हमारी YouTube गाइडर का चौथा वीडियो। दोस्तों पिछले वीडियो में मैं बताया था कि आपको टैग किस तरह से सेट करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको थंबनेल किस तरह से सेट करना चाहिए। दोस्तों बहुत दिन आगे मैं एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको मैं बताया था कि आपको थंबनेल किस तरह से बनाना चाहिए। उस वीडियो में मैं बहुत ही एक आसान स्टेप आपको बताया था। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो दोस्तों मैं हूं सुमन आपके साथ और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ज्ञान बांटते हैं। तो दोस्तों वीडियो तक इतना दूर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी से कर दीजिए वीडियो को बिग लाइक। दोस्तों मैं मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारा आपका रिव्यू करता हूँ एंड ऐसा ही कुछ छोटा मोटा ट्रिक आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। कर देने के बाद वो बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आई होप आपको ऐसी भी वीडियो अभी मिलती रहेगी। तो जैसा मैंने पहला वाला वीडियो में बताया था आपको कि टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन ये जिस तरह आपके वीडियो के ऊपर पूरा रोल निभाता है और उसी तरह भी एक थंबनेल आपके वीडियो के ऊपर बहुत बड़ा एक रोल निभाता है। तो दोस्तों टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन तो अंदर से दिखा जाता है, आपका वीडियो का जो पहचान होती है वो होता है थंबनेल। अगर दोस्तों आप अच्छा खासा कोई सा भी थंबनेल अपने वीडियो के ऊपर नहीं लगाएंगे तो कोई सा भी व्यूअर उसके ऊपर क्लिक नहीं करेगा और आपका वीडियो नहीं देखेगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका थंबनेल है, बहुत अच्छा आपको एक थंबनेल बनाना चाहिए। तो दोस्तों बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप बहुत आसान तरीके से किस तरह से अपने फ़ोन से थंबनेल बना सकते हैं। तो जाके उस वीडियो देख लेना या मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख लेना। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ से ही आपको टोटल प्रोसेस जो है दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ मेरे चैनल पर और चैनल पर आने के बाद में यहाँ से आपको दिखाने के लिए कोई सा भी एक वीडियो को अपलोड कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने वीडियो को अपलोडिंग के लिए लगा दिया है और यहाँ पर देखिए ये है वीडियो का टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन एरिया, यहाँ पर जाएगा आपका टैग और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि वीडियो थंबनेल। यहाँ पर देखिए कस्टम थंबनेल का एक ऑप्शन है। तो थंबनेल अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको टैप करना पड़ेगा। कोई सा भी थंबनेल आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो उसका साइज मैक्सिमम जो है 2 MB के आसपास होना चाहिए, मतलब 2 MB से ज़्यादा आप थंबनेल यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपका यहाँ पर मीडिया का एक्सेस ये मांगेगा। तो चलिए मैं मीडिया में जाता हूँ, जाके एक थंबनेल को यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। सपोज मान लीजिए मैं यही थंबनेल को यहाँ पर अपलोड करूँगा तो यहाँ पर देख लीजिए ये अपलोडिंग ले रहा है। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। जैसे ये वीडियो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा तो इसके ऊपर ये जो थंबनेल है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा भी आप वीडियो अपलोड हो जाने के बाद भी थंबनेल को सेट कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आप वीडियो अपलोड करते वक्त आपका थंबनेल सेट नहीं करते हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं, वीडियो अपलोड हो जाने के बाद भी आप थंबनेल को सेट कर सकते हो। तो दोस्तों सपोज़ मान लीजिए मेरा ये वीडियो इसके ऊपर थंबनेल है, लेकिन सपोज़ मान लीजिए कि इसके ऊपर थंबनेल नहीं है, इसके ऊपर मैं थंबनेल सेट करूँगा। तो यहाँ पर देख लीजिए एडिट वाला एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सीधा यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर आपको 4 पिक्चर दिखेगा। अगर आप पहले से थंबनेल सेट करके रखे हो तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे थंबनेल दिखेगा। अगर आपका थंबनेल यहाँ पर सेट नहीं होगा तो यहाँ पर आपको कस्टम थंबनेल का जो ऑप्शन वहाँ पर दिखा रहा था वो भी यहाँ पर दिखाएगा। तो दोस्तों अगर आपका गलती से कोई से भी थंबनेल अपने वीडियो के ऊपर आ जाता है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप बहुत ही आसानी से उसको चेंज भी कर सकते हो। तो इसके ऊपर सीधा एक बार टैप कीजिए। टैप करने के बाद यहाँ पर देखिए चेंज इमेज, इसके ऊपर टैप करके आप सही थंबनेल आपका लगा के यहाँ पर देखिए सेव चेंज का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे ही टैप कर देंगे आपका थंबनेल चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपने चैनल के ऊपर 2 तरीके से थंबनेल को लगा सकते हो अपने वीडियो में। एक तो हुआ वीडियो अपलोड करते समय और दूसरा वीडियो अपलोड करने के बाद। तो दोस्तों यही था टोटल कंप्लीट फंडा। आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, नीचे मेरे चैनल टेक ज्ञान को सब्सक्राइब तो यार ज़रूर करते जाना। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते भाई नीचे जाओ, वहाँ पर जाके मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगा। जाके इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो यार ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन वहाँ सबसे पहले मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम के ऊपर जगह मैं एक्टिव रहता हूँ तो फॉलो मुझे यार ज़रूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, जय हिंद।
जय भारत।